नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि रायगंज लोकसभा केंद्र के 5 नंबर आसन के विजयी जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्तिक चंद्र पाल महाशय इस्लामपुर शहर आ पहुंचे हैं, तथा इस्लामपुर शहर के जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है उस कार्यालय से जो है इस वक्त रैली करते हुए इस्लामपुर के सिद्धेश्वरी काली मंदिर की ओर बढ़ते हुए उनके साथ काफी ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कर्मी समर्थक मौजूद है। साथ ही साथ जो बड़ी बात बताने की कोशिश करेंगे, पहले जो है कार्तिक चंद्रपाल इस्लामपुर के जो टाउन मंदिर का कार्यालय है उस कार्यालय में आने के बाद जो है वहां पर पहले कर्मी समर्थकों के साथ मिले, उसके बाद जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, आतिशबाजी की, उसके बाद जो है इस्लामपुर सिद्धेश्वरी जो काली मंदिर है उस ओर निकल पड़े हैं इस वक्त रैली करते हुए। और जो जानकारी आ रही है बीजेपी सूत्रों के अनुसार कि सिद्धेश्वरी काली मंदिर जाने के बाद वहां पर जो है पूजा अर्चना करेंगे। सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि रायगंज लोकसभा केंद्र से लगभग 68,000 से भी अधिक वोटों से जो है विजयी हुए हैं इस बार कार्तिक चंद्रपाल, जो कि कालियागंज के हैं। और इस वक्त जो है आज जो है जीतने के बाद वह इस्लामपुर शहर आए हैं। हालांकि जब काउंटिंग चल रही थी तब वह इस्लामपुर DCRC सेंटर में मौजूद थे, लेकिन काउंटिंग कंप्लीट होने से ठीक पहले ही जो है वह यहाँ से निकलकर रायगंज DCRC सेंटर के लिए रवाना हुए थे, तथा आज जो है विजयी होने के बाद कह सकते हैं कि पहली बार जो है इस्लामपुर शहर आए हैं, तथा इस्लामपुर शहर के आम जनता साधारण व्यक्तियों को हाथ हिलाते हुए संबोधित करते हुए इस वक्त रैली के माध्यम से इस्लामपुर के जो टाउन मंडल कार्यालय है वहां से लेकर सीधे श्री काली मंदिर की ओर इस वक्त बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी कार्तिक चंद्रपाल साथ ही साथ उनके साथ मौजूद है काफी ज्यादा संख्या में कर्मी और समर्थक। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের বিজয়ী প্রার্থী বিজেপির প্রার্থী কার্তিক চন্দ্রপাল, তিনি কিন্তু আজ ইসলামপুরে এসেছেন এবং ইসলামপুরে যে নগর মন্ডল কার্যালয় রয়েছে বিজেপির সেই নগর মন্ডল কার্যালয় থেকে বেরিয়ে এই মুহূর্তে সিদ্ধেশ্বরী যে কালী মন্দির রয়েছে সেই কালী মন্দিরে পূজা দেবার উদ্দেশ্যে মিছিল করে কিন্তু সেই কালী মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এই মুহূর্তে সরাসরি চিত্র নিউজ স্টুডিও ইন্ডিয়ায় আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। যারা নতুন আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে আরেকবার জানানোর চেষ্টা করবো, এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রায়গঞ্জ লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী যিনি বিজয়ী হয়েছেন কার্তিক চন্দ্র, তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে ইসলামপুর যে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির রয়েছে সেই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজা দেবার উদ্দেশ্যে কিন্তু ইসলামপুর নগর মন্ডল কার্যালয় রয়েছে বিজেপির সেই নগর মন্ডল কার্যালয় থেকে ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে এবং সেই মিছিল ইতিমধ্যেই কিন্তু ইসলামপুর যে PWD মোড় সেই মোড় অতিক্রম করার পরেই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির সেই মন্দিরে কিন্তু প্রবেশ করবে। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে বিজেপির অন্যান্য যে সকল নেতৃত্বরা রয়েছে তারাও কিন্তু তার সাথে উপস্থিত রয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ বিজেপির যারা কর্মীরা রয়েছে তারা কিন্তু আজকে তার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন এবং ইসলামপুর যে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরে কিন্তু পূজা দেবার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন। সরাসরি চিত্র নিউজ টুডে পর্দায় আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ভালো মতন পূজা দিবে, ভালো মতন পূজা দিবে, আসতে
Thank you.